हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो भैया आज का प्लान था ओम पर्वत जाने का, मगर मौसम बहुत ही अलग टाइप का हो रहा है। एक बार मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ओम पर्वत है इस साइड और यहाँ को पूरे लगे हुए हैं बादल और यहाँ को पूरे काले बादल। हल्का सा आसमान यहाँ को खुला हुआ है, बाकी यहाँ पर हल्की फुल्की धूप देखने को मिल जाती है। और साथ ही सभी लोगों की पैकिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए सब लोग अपनी अपनी साइकिलें पैक कर रहे हैं और अपना सामान भी पैक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है। ओके जी, तो सामान वामान सारा हमारा पैक हो चुका है, बाकी टेंट वेंट खुलने शुरू हो चुके हैं। और मौसम अब पूरा, थोड़ी देर पहले तो आसमान नीला नीला था, अब पूरे बादल आ चुके हैं आसमान में भी। तो बारिश हो उससे पहले निकल ही जाते हैं क्योंकि रोड बहुत ख़राब है यार। परसों जो हम यहाँ पहुँचे हैं ना, मतलब भाई साहब गाड़ी सांप बन जा रही थी। तो ऐसे मौसम में गिरने से बेहतर है समय पर निकल जाते हैं। ओके जी, तो सारा सामान हमने पैक करके यहाँ पे रख दिया है। मौसम ऐसा कुछ हो रहा है अभी, यहाँ को पूरा बादल ही बादल लग गया है आसमान में। बाकी सभी राइडर हो गए हैं तैयार, तो अब निकलते हैं यहाँ से। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, कल आदि कैला जी के दर्शन हो गए। ओके जी, तो चलते हैं। तो निकल चुके हैं भैया गुंजी से, यहाँ आके बहुत ही बढ़िया लगा, आनंद आ गया, मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत सा ये सफ़र रहा, बस एक चीज़ की थोड़ी सी कमी खल गई, वो है कि हम ओम पर्वत जी के दर्शन नहीं कर पाए। दरअसल में सीन क्या था ना, परसों सुबह जाना था ओम पर्वत और सीएम सर आए लेट, और उसके बाद ओम पर्वत के दर्शन होते हैं नहीं। मगर हम उसके बाद भी गए थे ओम पर्वत, तो बस आप लोगों ने भी देखा होगा, थोड़ा बहुत हो पाए दर्शन, ज़्यादा तो क्लियर दिख नहीं पाया। तो ये वाली रोड जाती है आदि कैलाश को ऊपर को, और आज हम जाएंगे नीचे। ओ नीचे, अरे अपने गोपालदा भी फिरकी लेते हैं यार जगह जगह ना। ओके जी, तो ये है गुंजी का पुल, ये देखिए, और नीचे से झूला पुल भी है, और ऊपर को ऐसा कुछ व्यू दिखता है। यहाँ पे है घाट साइड में, तो सामने देखिए वही साइड को पड़ता है ओम पर्वत, और वहाँ पूरा कोहरा लगा हुआ है। नीचे नदी है, ऊपर ऐसे चट्टान है, पत्थर टूटने का खतरा। अरे ये देखिए छोटा बच्चा घोड़े का, आहा उले उले उले, और एक और एक और एक और, बहुत आ जा आ जा आ जा आ जा। ओ भाई ये देखो भोटिया डॉग्स, और ये आ रहे हैं भेड़ बकरियां, अनवाल भाई लोग। ले 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 ले, सीटी भी नहीं बज रही आज तो। हर साइड को भी पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, और वो वहाँ जंगल में बीच में धुआं आ रहा है, शायद वहाँ भी अनवाल भाई लोग होंगे। ओके जी, तो यहाँ से भी हम चल दिए हैं, बाकी सभी बाइकर्स पीछे हैं, और ये आगे से हैं अपने सर। ओके, यहाँ पे भी अनवाल भाई लोग रुके हुए हैं, भेड़ बकरियाँ। बाकी एक चीज़ मुझे यहाँ की काफ़ी अच्छी लग रही है अभी, वो सामने एक टावर बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। इतने दूरस्थ इलाकों में भी अगर नेटवर्क आ जाए ना, तो बढ़िया ही बात हो जाए। नदी का व्यू देखिए साहब, वार पार साइड हरियाली है और बीचों बीच नदी, गजब का व्यू है ना। परसों ये सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं पाए यार, पूरा बारिश वाला मौसम हो रहा था, और इतना अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा बादली बादल कोहरा कोहरा हो रहा था। ये देखिए कैसी रोड है, होए होए होए। बस यहाँ से ये गरव्यांग से थोड़ा आगे तक पूरी रोड की कंडीशन बरसात में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये जो सफ़ेद मिट्टी दिखाई दे रही है ना भाई साहब,
बहुत ही गंदी मिट्टी है, मतलब कब आदमी फिसल जाए पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे एक ट्रक भी फंसा हुआ था, देखते हैं आज फंसा है या उसे निकाल दिया है, जहाँ तक है निकाल दिया होगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा तालाब हो रहा था, मतलब रोड का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे रोड है। अभी भी यहाँ पे देखिए कीचड़ और तालाब दोनों हैं, अब पानी जाएगा भी तो कहाँ जाएगा यहाँ पर से ना। ओहो भाई, ओ भाई, ओ भाई, आज ना मतलब बोलने की ताकत नहीं है यार। जो कल आदि कैलाश वाली रोड में हालत ख़राब हुई है ना, उछल उछल के, मतलब क्या ही बताऊं। तो वो ट्रक परसों यहाँ धसी हुई थी, ये देखिए यहाँ यहाँ फंस गई थी। और यहाँ के इनको क्या बोलते हैं, याक, इतने बड़े बड़े बाल लगे हैं इनमें, मतलब गाय गाय और बैल है। और मौसम के हिसाब से देखिए इनके कितने बड़े बड़े बाल हैं। और हमारे यहाँ को ऐसी गाय होती है, ये देखिए ये छोटी वाली जो है ना ऐसी होती है, और यहाँ को ये बड़े बड़े बाल वाले हैं। तो फाइनली हम लोग ये पहुँच चुके हैं गरब्यांग में। ओके जी, तो हम आ गए हैं गरब्यांग से आगे को, और अब गरब्यांग से छियाले तक पूरी चढ़ाई है। तो ओके जी, हम लोग पहुंच चुके हैं गरब्यांग से काफ़ी ऊपर, और सामने है छियालेक। और जो ये वाली रोड में चढ़ाई है ना वो बहुत ही बेकार है, और सामने है गरब्यांग गांव। और जो मैं कह रहा था ना कि किसी गांव में एक टावर लगा हुआ है, मोनोदा कह रहे हैं कि वो नेपाल है ना कि भारत। बाकी यहाँ का व्यू देखिए, ओए होए होए होए, गोपालदा की फोटोग्राफी, जय बात है। मोनोदा कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, मजा माँ, मजा आया। तपाई को रामरा भयो वो अला तो बोलो, हजूर तपाई को कस्तो हाल भाई को, बढ़िया। तो चलिए अब चलते हैं, बाकी जगह बहुत अच्छी थी और रोड की कंडीशन उससे भी अच्छी थी। सही में जगह बहुत बढ़िया है, मगर रोड की कंडीशन थोड़ी बहुत बेकार है। इतना तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर बारिश हो जाए तो फिर उसके बाद दिक्कत ही दिक्कत है। और बाकी जो गरब्यांग में गांव बसे हुए हैं ना, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि पूरी ज़मीन धसी हुई है और धसते जा रही है, और वो मिट्टी भी बेकार टाइप की है ना तभी। बाकी अब हम लोग चलते हैं छियालेक की ओर। तो हम लोग ये पहुंच गए हैं छियालेक, बस इस बैंड के बाद सीधे छियालेक का चेक पोस्ट आता है। तो कैमरा ऑफ करते हैं, फिर छियालेक में ही मिलते हैं। यहाँ पे है चेक पोस्ट छियालेक का। ओके, तो छियालेक में हमने चेकआउट कर लिया है, बाकी अब निकल गए हैं। और यहाँ को हमारे हीरोज़ की गाड़ियाँ बहुत सारी रुकी हुई हैं, कुछ काम चल रहा होगा शायद। यार आज निकल तो गए, हमने नाश्ता नहीं करा सुबह, वहाँ बना था मगर उस टाइम पे मन नहीं हो रहा था नाश्ता करने का। तो अब देखते हैं कहीं पे नाश्ता पानी हो पाता हो तो। और ऐसा कुछ है छियालेक से सामने का व्यू, और मेरे पेट का व्यू तो गड़बड़ा गया है आज, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी तक हम लोग आ रहे थे छियालेक की चढ़ाई, और अब आने वाला है छियालेक का डाउन। यहाँ पे भी कुछ काम कंटिन्यू है, पता नहीं कुछ बन रहा होगा शायद, और यहाँ को भी काम कंटिन्यू है, बड़ी बड़ी मशीनें और रोड का ही काम चल रहा है सब कुछ। तो भैया को पूछा कि हम जाएं, तो उन्होंने कहा हाँ चले जाओ, परमिशन दी है। तो निकलते हैं आगे को। तो
ओ भाई ये देख लो अब रोड की कंडीशन बहुत ही बेकार। इससे बदतर अब सोच लो परसों हो रहा था तो कैसा ही हो रहा होगा। तो ये था अपना छियालेख का टॉप और अब यहाँ से आता है पूरा डाउन डाउन। और यहाँ इतने सारे बैंड आते हैं ना मैं गिन तो नहीं पाया परसों, क्योंकि परसों अपना आना ही मुश्किल हो रहा था कहाँ बैंड गिनता। मगर मोनूदा कह रहे थे कि 28 बैंड हैं कि 36, अभी पूछ के कंफर्म कराता हूँ कि कितने बैंड हैं। फर्स्ट बैंड ये रहा, अब यहीं से रोड डाउन डाउन और बैंड ही बैंड। ये BRO की गाड़ियाँ जा रही हैं और इनमें जा रहे हैं पत्थर, क्योंकि नीचे भी रोड का काम चल रहा है ना तो दीवार वीवार लगानी होगी तभी इन बड़ी गाड़ियों में जा रहा है। ये देखिए ऐसे पूरा चट्टान काट के रोड बनाई गई है।